नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं पीएनबी घोटाले को लेकर। पीएनबी महाघोटाला इन दिनों चर्चाओं में है। हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर मैगजीन पर चर्चाएं हो रही है पीएनबी महाघोटाले को लेकर। नीरव मोदी ने जिस तरह से पीएनबी महाघोटाला किया है, 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो रकम है उसका गमन किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। सरकार की लापरवाही के चलते इतना बड़ा घोटाला हुआ और नीरव मोदी सबसे बड़ी बात है देश छोड़कर फरार हो गया। पीएनबी घोटाले से जुड़ी हमारे पास खबर आई है कि ईडी ने नीरव मोदी की 44 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। देखिए, आपको बता दूं, पीएनबी घोटाले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने बीते शुक्रवार को नीरव मोदी की पत्नी एमी की पूछताछ के लिए समन भेजा था उनको। साथ ही नीरव की बैंक में जमा राशि और शेयर सहित लगभग 44 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने अरबपति हीरा कारोबारी से जुड़ी एक वर्कशॉप से बड़ी संख्या में इंपोर्टेड घड़ियां भी जब्त कर ली हैं। ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत नीरव मोदी ग्रुप के 30 करोड़ रुपए के बैंक खातों और 13.86 करोड़ रुपए के शेयरों पर ताजा जब्ती के आदेश जो है उन्होंने बताया कि उन्होंने जारी किए हैं। नीरव की पत्नी और अमेरिका नागरिक एमी को समन जारी करते हुए ईडी ने नीरव के रिश्तेदारों और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के पूछताछ के लिए फरवरी को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में बुलाया है, यानी कि उनसे 26 फरवरी को कह सकते हैं अपने कार्यालय में बुलाया है कि उनसे बातचीत की जाए। लेकिन क्या नीरव मोदी आएंगे, क्या नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी पूछताछ के लिए आएंगे? सबसे बड़ी बात है कि जब नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया, वो मामला इतना बड़ा चर्चाओं में आ गया कि किस तरह से सरकार कितने लापरवाही बरती और पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। और घोटाला करने के बाद नीरव मोदी ने अपना बयान दिया है कि अब वो बैंक का पैसा नहीं दे सकते क्योंकि बैंक ने उन्हें बर्बाद कर दिया। आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखा दें कि नीरव मोदी ने किस तरह से पैसे देने से मना कर दिया। घोटाले के बाद नीरव मोदी का पहला बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पीएनबी का बकाया नहीं चुका सकते। नीरव मोदी ने कहा कि उनकी संपत्तियां कंपनियों पर छापे डाले गए और कंपनियों पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद उसके लिए पीएनबी की बकाया राशि को चुकाना संभव नहीं है। देश के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मुख्य कर्ता धर्ता नीरव मोदी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक ने मामले को सार्वजनिक कर उसे बकाया वसूल करने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके साथ ही मोदी का दावा है कि पीएनबी का उसकी कंपनियों पर बकाया बैंक की बताई गई राशि से बेहद कम है। पीएनबी मैनेजमेंट को लिखे पत्र में मोदी ने कहा कि उसकी कंपनियों पर बैंक का बकाया 5,000 करोड़ रुपए से कम है। आपको बता दें कि ये पत्र जो है बैंक ने दिखाया भी था। नीरव मोदी के मुताबिक गलत तौर पर बताई गई बकाया राशि से मीडिया में हो हल्ला हो गया है और इसके बाद तत्काल तौर पर खोज का काम शुरू हो गया और उनकी नई कंपनियों के ऑपरेशन भी बंद हो गए हैं। पत्र में मोदी ने लिखा, इस समूह पर बैंक ने बकाया को चुकाने की हमारी क्षमता खतरे में पड़ गई है। नीरव मोदी अपने परिवार समेत जनवरी के पहले हफ्ते में ही देश छोड़कर भाग गए थे। नीरव ने कहा कि 13 फरवरी को की गई मेरी पेशकश के बावजूद बकाया को तत्काल पाने के लिए बैंक ने जानकारी दी थी, फरवरी को सार्वजनिक कर दी थी। बैंक की कार्रवाई ने मेरे ब्रांड और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया है और इससे अब बकाया वसूलने की बैंक की क्षमता सीमित हो गई है। तो देखा आपने किस तरह से नीरव मोदी ने पैसे देने से मना कर दिया और उन्हें अपना स्टैंड रखा कि बैंक ने उन्हें बदनाम कर दिया है, पूरी तरह से उन्हें बदनाम कर दिया गया है और अब उनका कारोबार धंधा चौपट हो गया है, इस वजह से वो पैसे नहीं लौटा सकते हैं। देखिए, पूछताछ के लिए दी गई 22 फरवरी की तारीख को यानी कि आने में विफल रहे नीरव मोदी को भी इस दिन ईडी के सामने पेश होने की समन जारी किया गया, यानी कि नीरव मोदी को समन भेजा गया है कि वो पेश हों। एजेंसी ने पिछले हफ्ते अलग अलग जगहों पर नीरव से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में इम्पोर्टेड घड़ियां, स्टील की और 176 अलमारियां, 158 बॉक्स और 60 कंटेनर जब्त किए हैं। ईडी ने कारोबारी और उसके ग्रुप से जुड़ी 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमा राशि, शेयर और करें जब्त की थी। दावा किया गया है कि ईडी द्वारा इस मामले में अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति 5,870 करोड़ रुपए की है। एजेंसी ने कहा है कि इसका स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जा रहा है। हालांकि ईडी छापेमारी कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है
और जो भी दस्तावेज है उसको इकट्ठा कर रही है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और जिस तरह से घोटाला किया गया है वो उस पर भी वो जांच चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने इस मामले पर क्या बात रखी। पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए के घोटाले के एक सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों को लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा सरकार आर्थिक विषयों से संबंधित अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, करेगी और करती रहेगी। जनता के पैसे का अनियमित अर्जन इस सिस्टम को स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में वो बोल रहे थे। पीएम ने पीएनबी घोटाले का नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ है कि उन्होंने इसी संदर्भ में ये बात कही। पीएम ने कहा पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती दी है। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 के अंत में भारत का वर्ल्ड जीडीपी में नॉमिनल टर्म में कंट्रीब्यूशन 2.4% था। हमारी सरकार के लगभग 4 वर्षों में ये बढ़कर 3.1% हो गया है। आज आप कोई भी मैक्रो पैरामीटर देख लीजिए, महंगाई दर, चालू खाता घाटा, वित्तीय घाटा, जीडीपी ग्रोथ, ब्याज दर, एफडीआई आमद, भारत सभी में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो देखा आपने पीएम मोदी ने किस तरह से इस मामले पर अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया और कहीं ना कहीं देखिए बताया जा रहा है कि बैंक के कई अधिकारी जो है इसमें संलिप्त थे और उन्हीं की देखरेख में जो है नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया और घोटाला करने के बाद विदेश फरार हो गया। और विपक्ष ने इस मामले पर जो है कह सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। पीएम मोदी से उन्होंने कहा भी कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही के चलते इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और जिस तरह से धूल झोंक कर आंखों में नीरव मोदी ने इतना बड़ा कांड किया है, वाकई में ये बात अपने आप में दर्शाती है कि सरकार ने किस तरह से लापरवाही बरती और नीरव मोदी ने इतना बड़ा इतने बड़ी रकम का जो है घोटाला किया। और हालांकि ईडी इस मामले पर अभी छापेमारी कर रही है और लगभग जो है उन्होंने आपको मैं बता दूं कि 44 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है अभी भी जब्त कर लिए, अभी भी चल रही है ईडी की कार्रवाई। लेकिन जिस तरह से नीरव मोदी ने साफ कह दिया है कि वो पैसा नहीं लौटा पाएंगे और बैंक ने उन्हें बर्बाद कर दिया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीरव मोदी अब देश आने के मूड में नहीं है और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है कि अब वो देश में नहीं आएंगे। लेकिन जो जमा राशि है या कह सकते हैं जो राशि अभी भी बची है जिसका जो है भुगतान करना है, तो आखिरकार उसका भुगतान कौन करेगा। वैसे अगर बात करूँ नीरव मोदी की तो नीरव मोदी ने अपनी बात में कह दिया कि बैंक ने उन्हें घाटा पहुंचाया, इसलिए वो जो है और ज़्यादा अब बैंक को पैसा नहीं दे सकते। लेकिन वाकई में इतना बड़ा घोटाला देखने को मिला है मोदी सरकार में कि एक तरफ तो पीएम मोदी जो है कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम देश से हटाएंगे और ना किसी को खाने देंगे और ना ही खाएंगे, लेकिन नीरव मोदी वाले मामले में देखने को मिला कि नीरव मोदी ने पैसा खाया भी बैंक का और वो देश छोड़कर विदेश चला गया। तो देखिए इस मामले पर जो है तंज भी कसा जा रहा है, विपक्ष पार्टियों ने इस मामले पर आड़े हाथों भी लिया है। और साथ ही साथ आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर तंज कसा है पीएम मोदी को लेकर। लेकिन पूरा देश जान गया कि किस तरीके से बड़े लोग घोटाला कर सकते हैं, घोटाला करके पैसा ले जा सकते हैं, बैंकें बर्बाद हो गई, ये गरीबों का जो पैसा जमा था बैंकों में ये वही लेके जा रहे हैं, ये अमीरों का पैसा अमीर नहीं ले जा रहे हैं, ये गरीबों का पैसा अमीर ले जा रहे हैं, ये याद रखना आप। तो देखा आपने कि पीएम मोदी को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है और कहीं ना कहीं अब पीएम मोदी इस मामले को लेकर घिर चुके हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.